हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूप्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी एट द एज ऑफ। यहाँ गया है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग कब से देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज इन्फेंट, ऑप्शन नंबर बी इज प्री स्कूल, ऑप्शन नंबर सी इज स्कूल एज एंड ऑप्शन नंबर डी इज टोडलर। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी टोडलर। टोडलर एज में जो है टॉयलेट ट्रेनिंग हम बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हैं। टोडलर एज जो होती है वो 12 मंथ से लेके 36 मंथ तक के जो चिल्ड्रंस रहते हैं या फिर 1 से लेके 2 इयर्स तक के जो चिल्ड्रंस रहते हैं उन्हें टोडलर में रखा जाता है और टोडलर एज में जो है हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है मम्स का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑर्काइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज पैरालिसिस, ऑप्शन नंबर सी इज मायोकार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज हर्पीस। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस जो कंडीशन होती है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस इसे कहा जाता है। मम्स की वजह से ऑर्काइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोजिनसिफेलॉन, ऑप्शन नंबर बी इज माइलिनसिफेलॉन, ऑप्शन नंबर सी इज मैटनसिफेलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज मीजेनसिफेलॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी माइलिनसिफेलॉन, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को माइलिनसिफेलॉन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो ये वाला जो रीजन रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थोड़े से ऊपर वाला जो रीजन रहता है उसे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को ही माइलिनसिफेलॉन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लिनिकल मैथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी मैथड है जो कि क्लिनिकल मैथड ऑफ टीचिंग नहीं है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ केस मैथड, ऑप्शन नंबर बी इज़ नर्सिंग राउंड एंड रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेमिनार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी सेमिनार। जो कहते हैं वो क्लिनिकल मेथड के अंदर नहीं आते हैं, बाकी केस स्टडी, केस मेथड, नर्सिंग राउंड, रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्डिंग ये सभी जो हैं क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टाफ नर्स। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है स्टाफ नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। जो स्टाफ नर्स होती हैं उनकी ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ऑब्जर्वेशन करना, रिपोर्टिंग करना, रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक स्टाफ नर्स की रहती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी ऑर्गन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ टॉन्सिल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ थाइमस, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्प्लीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्योंकि दिए गए हैं ये सभी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं इसलिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लैम्पशिया। एक्लैम्पशिया वाले पेशेंट को हम इनमें से कौन सा ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ मैग्नीशियम सल्फेट,
ऑप्शन नंबर सी इज डोपामिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लैबिटालॉल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम सल्फेट। एक्लेम्शिया वाले पेशेंट को हम मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग जो है ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज इस्टेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज एंटेरोकोकाई, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेरेशिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इस्टेरिया कोलाई। इस्टेरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के लिए। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है यदि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू द WBC काउंट। यहाँ पर पूछा गया है यदि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो WBC का काउंट क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंक्रीज बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज डिक्रीज कम होगा, ऑप्शन नंबर सी इज रिमेन अनचेंज्ड कोई चेंजेस नहीं आएंगे एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लक्चुएटिंग या फिर फ्लक्चुएट होते रहेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। WBC का काउंट जब भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो WBC का काउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है यूट्रस का पार्ट है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए इज बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इज इस्थमस, ऑप्शन नंबर सी इज सर्विक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया आइडेंटिफाई द फूड आइटम दैट नीड टू बी अवॉइडेड इन द चाइल्ड विद सीलिएक डिसीज। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक चाइल्ड है जो कि सीलिएक डिसीज से सफ़र कर रहा है तो हमें कौन सा फूड आइटम अवॉइड करना है ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए इज व्हीट, ऑप्शन नंबर बी इज राई, ऑप्शन नंबर सी इज ओट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही फूड आइटम्स जो हैं यदि किसी पेशेंट को सीलिएक डिसीज़ है तो हम ये सभी आइटम्स अवॉइड करेंगे क्योंकि इन सभी आइटम्स में जो है एक प्रोटीन रहता है ग्लूटेन नाम का, और ये जो प्रोटीन है ये जो सीलिएक डिसीज़ होती है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट रहता है उसे इस ग्लूटेन नाम का जो प्रोटीन है इससे एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए जो सीलिएक डिसीज़ वाले पेशेंट रहेंगे उन्हें हम ये वाले फूड आइटम अवॉइड कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। यहाँ पर पूछा है यदि कोई पेशेंट है जिसे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन है तो उसको होने के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ इडियोपैथिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ पोस्ट हेड इंजुरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ जेनेटिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हिस्टोसाइटोसिस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक। जेनेटिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होने के जो मेन कॉज हो सकता है वो जेनेटिक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि हाइपोकैलेमिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। हाइपोकैलेमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल है जो वो डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ एडीमा, ऑप्शन नंबर बी इज़ मसल स्पास्म, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोजामल ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यदि कोई पेशेंट हाइपोकैलेमिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें हमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करनी है, देना नहीं है पेशेंट को। ऑप्शन नंबर ए इज़ मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ रुबेला, ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरिसेला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही वैक्सीन जो हैं हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड करने हैं, एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोजेज बाय द एज ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो फीटल स्कल में एंटीरियर फॉन्टेनल प्रेजेंट रहते हैं वो कौन सी एज में क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 6 to 8 months, ऑप्शन नंबर बी इज 12 to 18 months, ऑप्शन नंबर सी इज 24 to 30 months एंड ऑप्शन नंबर डी इज 30 to 36 months। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 12 to 18 months। 12 to 18 months में जो एंटीरियर फंटनल होते हैं वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फंटनल प्रेजेंट रहते हैं फीटल स्कल में। आगे की तरफ जो फंटनल रहता है उसे एंटीरियर फंटनल कहा जाता है, पीछे की तरफ जो फंटनल प्रेजेंट रहता है उसे पोस्टीरियर फंटनल कहा जाता है। एंटीरियर फॉन्टनल जो होता है वो 12 से लेके 18 मंथ में क्लोज हो जाता है और पोस्टीरियर फॉन्टनल को क्लोज होने के लिए 1 to 2 months का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेन एंड टेंडरनेस इन द रीजन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव ऑफ। यहाँ पर पूछा है यदि किसी पेशेंट को सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन में पेन और टेंडरनेस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज पेल्विक फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज स्पाइनल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज फीमर फ्रैक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिब फ्रैक्चर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पेल्विक फ्रैक्चर। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है ये पेल्विस बोन में प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पर अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन में पेन और टेंडरनेस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो पेल्विक फ्रैक्चर को इंडिकेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ रिटन द संस्कृत बुक मेघदूत। यहाँ पर पूछा गया है जो संस्कृत बुक मेघदूत है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी इज वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी इज कालिदास एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी कालिदास। मेघदूत बुक जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन सेरिब्रम ऑडिटरी एरिया ऑकर्स इन। यहाँ पर पूछा गया है सेरिब्रम में जो ऑडिटरी एरिया होता है जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है वो एरिया कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर बी इज पैराइटल लोब, ऑप्शन नंबर सी इज टेम्पोरल लोब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीपिटल लोब। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी टेम्पोरल लोब। सेरिब्रम में जो ऑडिटरी एरिया रहता है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं टेम्पोरल लोब कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर आप सारे लोब्स देख सकते हैं, जो ये ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है ये टेम्पोरल लोब है और ये वाला जो सेरिब्रम में एरिया रहता है ये ऑडिटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। यहाँ पर पूछा गया है मैनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिथियम, ऑप्शन नंबर सी इज़ एमिप्रामाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।